हल्द्वानी में बरसात की शुरुआत होते ही जंगली जानवरों का आतंक एक बार फिर से बढ़ गया है। कल देर रात एक गुलदार ने निर्मला कॉन्वेंट स्कूल के पास एक 7 साल के बच्चे को अपना निगवाला बना दिया। बच्चा अपने पिता के साथ टॉयलेट के लिए घर से बाहर निकला था। इस दौरान घात लगाए गुलदार ने बच्चे को उठा लिया। इसके बाद स्थानीय लोगों ने वन विभाग और प्रशासन को सूचना दी। बहुत देर तक बच्चे की तलाश की गई और आज तड़के सुबह बच्चे का शव जंगल के पास मिला। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घटना के बाद SDM हल्द्वानी परितोष वर्मा और तहसीलदार सचिन कुमार बच्चे के घर भी गए और परिजनों को उचित मुआवजा दिए जाने के लिए वन विभाग को निर्देश दिए। फिलहाल वन विभाग अब गुलदार को पकड़ने के लिए पिंजरा लगाएगा और आसपास गश्त भी की जाएगी। देखिए, कल रात की घटना है। तो ये बच्चा अपने पिताजी के संग टॉयलेट के लिए गया था और वहीं पैसे तेंदुआ इसको उठा के ले गया और रात भर सर्च की गई और सुबह इनकी बॉडी उस बच्चे की मिल गई है। अभी पंचायत में पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। सर, कुछ मुआवजे के लिए भी है? देखिए, वन विभाग से संबंध में वार्ता हुई है और वन विभाग द्वारा ये अवगत कराया गया है कि जो भी मुआवजा वन्य जीव में दे है उसको दिया जाएगा। लगभग 6 लाख रुपए का ये मुआवजा है। वन विभाग से अभी फिलहाल गश्त के लिए और ऐसी घटना दोबारा ना हो इसके लिए कहा गया है और वन विभाग द्वारा आश्वस्त किया गया है कि उस इलाके में कॉम्बिंग वगैरह बढ़ाई जाएगी। मेरे मौसी लड़का था ना, वो रात में पिता करने आया था बाहर को। वो मौसा भी थे संग में। वो पिता करने एकदम गला पकड़ दिया आते ही। अच्छा। वो ले गया कैसे, फिर रात में गए ढूंढने। सुबह 6 बजे बॉडी मिली, फिर सुबह लेके आ गए यहाँ को। क्या नाम तुम्हारा? राज। कल रात 12:30 बजे से वो बच्चा गायब था। जैसे ही हम वन विभाग की टीम को हमको सूचना मिली, उसी समय से हमारा मूवमेंट वहाँ पे था हमारी टीम का। रात भर सर्च ऑपरेशन चला। इसी बीच मॉर्निंग में जब उजाला हुआ तो तब डेड बॉडी मिली अंदर जंगल में, जो हमारा अंदर रिजर्व फॉरेस्ट है उसे लगा हुआ छकाता रेंज का, उसमें डेड बॉडी मिली। तो उसमें हमने अभी तत्काल मौके पे जाके उसके उनके पेरेंट्स और उनके परिजनों से मिलके तत्काल 50,000 की तात्कालिक सहायता उनको प्रदान कर ली गई है और उनको आश्वासन दिया गया कि आगे पूरी वन विभाग की टीम उनके साथ है हर संभव। और उस मूवमेंट में उस जो पूरा एरिया है गुलदार का मूवमेंट चेक करने के लिए तुरंत हम कैमरा ट्रैप्स का इंस्टॉलेशन वहाँ पे कर रहे हैं, उसकी तैयारी हो रही है, उसकी तैयारी हो गई है। और साथ ही पूरी टीम जो है फॉरेस्ट की टीम है, दिन और रात अलग अलग टीमें बना के उस एरिया में गश्त करेंगे। तो जो लेपर्ड का मूवमेंट है उस पर पूरी पूरी नज़र रखेंगे। पार्डन, पूरा परिवार के बच्चे भी? और नहीं, ऐसी तो न्यूज हमको नहीं है। अभी कैमरा ट्रैप्स का इंस्टॉलेशन जैसे उसके रिजल्ट आते हैं तो उसको बता दें। बीच पहली बार सर की वो घटना देखने में हो, उसका उसके लिए पूरी एहतियात बढ़ती जा रही है। ये जो एरिया है वो सिटी जो निर्मला कॉन्वेंट स्कूल है काठगोदाम के पास, उसके रेलवे पटरी के पार पूरा पूरा घना जंगल वहाँ पे है। तो उसके आसपास उसके किनारे पर ही वो लोग झोपड़ी बना के कुछ सालों से रह रहे हैं। तो काफी चलिए